ग्वालियर पहुंची। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर शुभकामना दी है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के डीएनए पर जमकर जुबानी हमला बोला है। वहीं इंडिया गठबंधन की प्रदेश की राजधानी भोपाल में होने वाली बैठक के रद्द होने पर भी उन्होंने कहा है कि दूसरे दलों की योजना है, उस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन शायद इंडिया गठबंधन ने सनातन धर्म को नष्ट करने वाले गठबंधन ने भ्रष्टाचार व्यापक रूप से पूरे देश में फैलाने वाले गठबंधन परिवारवाद फैलाने वाले गठबंधन ने तुष्टिकरण के गठबंधन ने यह आभास कर लिया है कि जनता आक्रोश में है। हृदय के गहराइयों से हम सब और देश की संपूर्ण जनता उनके उज्जवल जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए कामना करती है। जिस प्रधानमंत्री ने इस देश का वर्चस्व विश्व पटल पर उभारा है, हम सब गौरवान्वित कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विकास और प्रगति के पथ पर विश्व स्तर पर अग्रसर हो रहा है। उनके जन्मदिन पर बधाई स्वीकार करने के बदले वे सदैव देश की जनता को कुछ न कुछ सौगात देते हैं, और आज हमारे महान भगवान विश्वकर्मा के वंशज विश्वकर्मा समाज के लिए जो 13,000 करोड़ रुपए की केंद्र